मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की फेमस प्याज कचौरी, तो आइए बनाना शुरू करें। प्याज की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल लिया है। अब इसमें दरदरा सा कुटा हुआ 1 चम्मच जितना सौंफ और साबुत धनिया डाला है। अब इसमें चुटकी भर हींग डालेंगे और 1 चम्मच जितना अदरक मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच जितना बेसन डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें बड़ी कटोरी प्याज डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 3 से 4 बड़े बड़े प्याज लिए थे, जिसको मैंने ऐसे बड़े टुकड़ों में कट कर लिया था। अब इसे अच्छी तरह से हम सौते कर लेंगे और यहाँ पे 2 बॉइल्ड आलू लेंगे और इसे हाथों से अच्छी तरह से मैश करके इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच जितना आमचूर पाउडर डाला है। इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज कचौरी का स्टफिंग तैयार हो गया है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब कचौरी बनाने के लिए हम आटा गूंथेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कप मैदा लिया हुआ है। अब इसमें हम 2 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच अजवाइन ली है, इसको हम हाथों से मसल कर इसमें डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए। अब इसमें हम 1/4 कप घी डालेंगे और आटे को मोइन दे देंगे। हमारा आटा अच्छी तरह से जुड़ गया है, इसका मतलब है कि हमारा मोइन अच्छी तरह से लग गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लेंगे। हमें रोटी जैसा आटा गूंथना है। हमें यहाँ पे सॉफ्ट आटा गूंथना है, हार्ड नहीं गूंथना है। जो हमारा आटा हार्ड होगा तो हमारी कचौरी फट जाएगी, इसलिए हमें रोटी जैसा आटा गूंथना है। आप देख सकते हैं कि हमारा आटा अच्छी तरह से गूंथ गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे गीले कपड़े से ढककर 10 से 15 मिनट तक रेस्ट देंगे। A few minutes later. 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा आटा तैयार है। अब इसमें से हम छोटे छोटे लोई लेंगे और इसको हाथों से ऐसे बॉल जैसा शेप देके कचौरी बनाएंगे। बीच में से हमें इसे थोड़ा सा मोटा रखना है और इसकी साइड को इस तरह से हम फैलाएंगे, इसका कटोरी जैसा शेप बना देंगे। अब इसमें जो हमने प्याज की कचौरी का स्टफिंग बनाया था वो डाल देंगे। अब इसको इस तरह से हम चारों ओर से खींच के इसको अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। ऊपर से जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम इस तरह से खींच कर निकाल देंगे और कचौरी को अच्छी तरह से पैक कर देंगे। फिर हम हथेलियों की मदद से इसको ऐसे दबाकर अच्छी तरह से हमारी कचौरी बना देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी कचौरी अच्छी तरह से बन गई है। इसी तरह हम सारी कचौरी बना लेंगे। अब एक पैन में मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें कचौरी को फ्राई कर लेंगे। हमें गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है, इसको हमें 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल हिलाना नहीं है। अब इसको हम पलटकर अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। जब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसको हम प्लेट में निकाल देंगे। इसी तरह हम सारी कचौरियाँ को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी कचौरी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम एक प्लेट में लेके सर्व करेंगे। तो तैयार है हमारी प्याज की कचौरी।
तो आप भी ये रेसिपी अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।